मैक्सिमम केक्स मेरे सेम डे के ही होते हैं, और ये भी केक करीबन 2-3 बजे मुझे मिला। 1 केजी का केक था, यानी कि 2 पाउंड था, और मुझे इसे डेकोरेट करके कस्टमर को शाम के 6:30 बजे तक देना था। बेस भी बनाना है, और भी इसके साथ केक्स थे, छोटा वाला भी देना था सेम टाइम पे, और भी केक्स थे। मैं आपको दूसरे वीडियोस में भी दिखाऊंगी, इस वीडियो में 2 केक आपको मैंने दिखाया है, पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैं स्टार नोजल ली हूँ, जिससे मैं रोजेट वाले डिज़ाइन ओवरलैप करते हुए, कभी भी आपको साइड्स के बॉर्डर में रोजेट वाले डिज़ाइन बनानी हो तो एक डिज़ाइन स्टार्ट कीजिए, जहाँ पे वो एंड कर रहा है वहीं से दूसरा रोजेट बनाइए, इस तरीके से जैसे ओवरलैप करता हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ऑफ वाइट कलर लिया था, क्योंकि ये केक फेयरवेल के लिए था, और सिंपल सोबर से ही केक्स के कॉम्बिनेशन अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क डार्क शेड उतना पसंद नहीं आता है। और सिंपल में ना मुझे ये वाली डिज़ाइन, या फिर वो जो मैंने क्वेश्चन मार्क वाली डिज़ाइन अक्सर शेयर करती हूँ, वो भी मुझे बहुत ही पसंद आता है और जल्दी बन जाता है। तो कभी आपको भी जल्दी में बनानी हो, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नहीं करना है, बहुत ज़्यादा तामझाम होता है केक में, वो सबसे बचने के लिए साइड में केक कॉम्ब चला दीजिए, या फिर सिलिकॉन ब्रश से साइड का पैटर्न दे दीजिए। अगर स्मूथ हो जा रहा है एक बार में, तब तो इट्स वेल एंड गुड, आपके लिए अच्छा है। और फिर सेम नॉजल से मैंने नीचे ड्रॉप वाले फ्लावर्स दे दिए हैं, आप चाहे तो आगे से पीछे की, और जैसे मोस्टली हर केक्स में होता है उस टाइप का भी बॉर्डर बना सकते हैं। और सबसे छोटा वाला स्टार नॉजल लेकर के छोटे छोटे से मैं रोजेट भी बना दे रही हूँ ब्लू कलर के, क्योंकि जेंट्स के लिए है, तो जेंट्स के लिए कलर होता है ना सबसे पहला माइंड में आता है तो ब्लू आता है, बाकी सारे कलर्स तो जेंट्स के लिए होते ही है। अगर किसी कस्टमर को पसंद है, किसी जेंट्स को पसंद है, तो फिर तो आप वही बनाइए, पर मुझे अगर कोई कलर प्रेफर नहीं किया रहता है तो जेंट्स के लिए मुझे केक बनानी होती है तो वाइट ब्लू इस टाइप का ही कलर मैं चूज़ करती हूँ बनाने के लिए, और थोड़े से सिल्वर वाले बॉल्स डाल दी। हमारा केक बिल्कुल रेडी है, बहुत ही सिंपल जल्दी में। तो एक बार इस तरीके का केक डेकोरेशन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, छोटे में भी ये वाली डिज़ाइन ना अच्छी लगेगी। ये मैंने 1 केजी के केक पे बनाया है, आप नॉर्मली 1 पाउंड पे भी बना सकते हैं, छोटे से केक पे भी ये छोटे छोटे से डिज़ाइंस बना सकते हैं। केक सुंदर लगेगा, सिंपल लगेगा, एलिगेंट लगेगा, और अगर आप बिगनर हैं तब तो आप ज़रूर ही बनाइए, क्योंकि ये सारे डिज़ाइंस ना आपके केक की फिनिशिंग में और भी ज़्यादा 4 चांद लगाएगी। तो देखिए बीच में जो मैटर था, जिनके लिए फेयरवेल था, फेयरवेल केक है, वो मैटर मैंने लिख करके टूथपिक की हेल्प से प्लेस कर दिया, और सेम कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हुए मैंने दूसरा छोटा सा केक बना लिया, जो कि बेंटो केक था। तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।